हाथरस में हुए अमानवीय बलात्कार, उत्पीड़न और हत्या के मामले में आज हम बात कर रहे हैं सुभाषिनी अली से, जो कि उत्तर प्रदेश के मजदूरों और महिलाओं के संघर्ष से, जमीनी संघर्ष से कई दशकों से जुड़ी हुई हैं और कानपुर से पूर्व सांसद भी रही हैं। सुभाषिनी, एक तरह से एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है कि जो ये विक्टिम है, इनकी दलित आइडेंटिटी का इस इंसिडेंट से कोई लेना देना नहीं है और कोई मायने नहीं रखती, और जो भी इसके बारे में बात कर रहा है वो इस इंसिडेंट को, सिचुएशन को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है। ये बात कहाँ तक वाजिब है? हाथरस के केस में ये कहना कि जात की बात क्यों कही जा रही है, तो एक तो इस लड़की की जो कमजोरी है, व्हाई वाज शी वल्नरेबल, शी वाज ऑब्वियसली वल्नरेबल बिकॉज शी इज पुअर, शी इज़ वंडरेबल बिकॉज ऑफ आर कास्ट, शी बिलोंग्स टू द बाल्मीकि कम्युनिटी। वो इलाका बहुत ही मतलब उच्च जातियों के और ठाकुर जातियों के वर्चस्व का इलाका है वो गांव, जिन लोगों ने हमला किया लड़की के ऊपर, उनका पिछला इतिहास है और इस लड़की के परिवार के साथ भी उन्होंने इसके पहले भी मतलब दादागिरी की है। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर, सो दिस काइंड ऑफ अप्रोच, ओ व्हाई यू ब्रिंगिंग कास्ट इनटू इट, ये तो महिला हिंसा की बात है, ये एक तरीका है इस नृशंस घटना को एक तरह से मतलब स्वीकार्यता देना, मतलब कि ये एनी काइंड ऑफ जेंडर वायलेंस का एक और उदाहरण है। ये भूमिहीन परिवार है जिन्होंने हमला किया, वो भूस्वामी लोग हैं, ये दलित परिवार है, हमला करने वाले ठाकुर हैं, और फिर ये सवाल आता है कि अगर इसमें जातीय मामला नहीं है तो फिर पूरे के पूरे प्रशासन ने आखिर इतना जोर क्यों दिया इस बात पर कि बलात्कार नहीं हुआ है, उन लड़कों को, उन अपराधियों को बचाने का काम क्यों किया? क्योंकि शुरू में तो लड़की की जान बची हुई थी, इट वॉज अटेम्प्ट टू मर्डर, and SC ST Act was also there, but obviously we have seen in Uttar Pradesh, this is our experience, that people are let off, they are given bail very easily, so maybe it was the understanding that agar gang rape, because gang rape is now considered the most heinous of crimes for which even death penalty is being, we don't support death penalty, lekin mrityudand bhi samuhik balatkar ke liye diya jata hai, to जानबूझ करके लगातार ये कोशिश प्रशासन की तरफ से हुई कि बलात्कार का केस न बने और बलात्कार का जो आरोप है उसको कमजोर किया जाए। तो इस परिस्थितियों में, इस संदर्भ में लड़की की जात और अपराधियों की जात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। नॉट ओनली दैट, द डे आफ्टर हर डेथ देयर वाज अ प्रोसेशन टेकन आउट इन हाथरस, एक जुलूस निकाला गया सवर्ण समाज के बैनर के पीछे, और ये कहा गया कि ये सवर्ण लड़कों को फंसाया जा रहा है। तो फिर जात के नाम पर अपराधियों का साथ कौन दे रहा है, इस पर कोई सवाल क्यों नहीं हो रहा है? एंड टुडे और यस्टरडे, आई एम नॉट वेरी श्योर, लेकिन बगल के गांव में एक बीजेपी का जो सांसद है, जो उच्च जाति का है, उन्होंने एक अपने गाँव में बड़ी सभा की, and in that big meeting the BJP MP and his supporters who belong to the upper caste and the caste of the perpetrators of the crime, unhone is baat ki mang ki hai ki is bachchi ke parivar ke khilaf mukadma qayam kiya jaye, jhoota case aur jhoote bayanat ko lekar ke. So isn't it apparent, kya ye spasht dikhai nahi de raha hai ki एक महिला हिंसा के साथ साथ ये एक जातीय हिंसा का मामला है, एक जो खास परिस्थितियों में जो सवर्ण जातियों के अंदर एक एक आत्मविश्वास है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, और दलित जातियों के अंदर एक भय है, ये सारी चीजें बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हैं। और मैं फिर कहूंगी कि योगी सरकार के आने के बाद ये सारी चीजें बहुत ज्यादा स्पष्ट रूप से जनता के सामने आ रही है, उनका असली चेहरा जो पहले हो सकता है ढका छिपा था, अब वो बिल्कुल सामने आ रहा है। बहुत ज्यादा मतलब उदाहरणों में न जा करके ये हमको देखना है कि योगी सरकार बनने के कुछ ही दिन के बाद
सहारनपुर के पास जो शब्बीरपुर का गांव है वहां के जाटव समाज के ऊपर बहुत जबरदस्त हमला ठाकरों की तरफ से हुआ था, और इस सरकार की शुरुआत ही वहीं से होती है, और उसी मतलब कांड से चंद्रशेखर का भी एक तरह से मतलब उभार होता है। तो ये आपके नई सरकार बनने से कुछ ही दिन के बाद की घटना है, और उसके बाद से दो तीन बातें हैं, दे आर टू और थ्री थिंग्स दैट नाउ स्टैंड आउट इन द योगी रेजिम। एक तो अपर कास्ट ब्रुटैलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, अपर कास्ट कॉन्फिडेंस के उनकी इम्प्यूनिटी बहुत बढ़ गई है, वो कुछ भी कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा बढ़ी है, और इसके साथ साथ जो न्याय प्रक्रिया है दैट इज द जस्टिस सिस्टम इज नाउ इवन मोर ब्लेटेंटली वर्किंग इन डिफरेंट वेज फॉर डिफरेंट पीपल। मतलब जिसको हम कहते हैं मनुवादी तरीका, मनुवादी न्याय प्रक्रिया अब दिन पर दिन बहुत ज्यादा स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों के साथ एक तरह से न्याय प्रक्रिया पेश आती है और कुछ लोगों से अलग तरीके से। अगर हम देखें कि उन्नाव में सिर्फ वो जो सिंगर की बात है, जो बीजेपी का विधायक था उस समय, इट्स नॉट जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ हाउ हिज नेम वॉज डिलिब्रेटली केप्ट आउट ऑफ द FIR एंड इट टुक अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, एक साल लगा के उसके ऊपर मतलब FIR लॉन्च हुई और उसके बाद उसको अरेस्ट किया गया। मैं ये कह रही हूँ ऐसी बातें पहले भी हुई हैं, बट उसके बाद अभी जब CBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि उन्नाव के अधिकारी द पीपल IAS ऑफिसर्स एंड IPS ऑफिसर्स पोस्टेड इन उन्नाव एट द टाइम दे आर गिल्टी ऑफ डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी, उन्होंने अपने कर्तव्य को नहीं निभाया, और सरकार से CBI ने मांग की है कि इनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। तो एक तो 8 सितंबर को CBI ने ये बात कही थी और योगी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, एंड नाउ 2 days बैक आफ्टर द हाथरस इंसिडेंट दे आर सो ब्रेजन, द गवर्नमेंट हैज गिवन स्टेटमेंट कि जो DM थी जो ठाकुर हैं और जो हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन थी उस समय, वो उनकी इंक्वायरी उन्होंने कर ली है और उनकी तरफ से कर्तव्य का पालन हुआ, उन्होंने किसी तरह से अपने कर्तव्य से अलग हटने का काम नहीं किया। तो ये दिखाता है कि किस तरह से ये सरकार अपराधियों के साथ खड़ी होती है, एक तरह से अब लोग मान रहे हैं, हम लोग भी मान रहे हैं, उनकी जात के आधार पर। तो ऐसे में एक और बात जो सामने आती है वो ये है कि जो पुलिस और प्रशासन है उनका रोल बहुत ही ऐसा लगता है कि डेलिबरेटली ढीला रहा है और कई खामियां सामने आती हैं, जैसे कि FIR रजिस्टर नहीं किया जाता है और फिर जो बॉडी है उसका क्रिमेशन कर दिया जाता है फैमिली की इजाजत के बिना। और उसके बाद भी जो जिस तरीके से बैरिकेड किया जा रहा है हाथरस को और ऑपोजिशन या मीडिया को नहीं पहुंचने दिया जा रहा है, ऐसे में क्या रोल होना चाहिए था पुलिस या प्रशासन का, और ये जो फेलियर्स इस तरह से सामने आ रहे हैं इनका क्या कारण है? उत्तर प्रदेश के प्रशासन का बहुत बड़ा हिस्सा अब ये समझने लगा है कि सरकार हमसे क्या चाहती है। वो ये नहीं सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, मतलब न्याय उचित क्या है, संविधान हमसे क्या मांग कर रहा है, बल्कि उनकी ये सोच है कि सरकार हमसे किस तरह का व्यवहार चाहती है। क्योंकि जब ये सरकार बनी थी तो योगी जी ने एक ऐलान किया था कि ठोको और मारो, मतलब कानून व्यवस्था को लागू करने का उनका जो तरीका था वो था मारो और इससे अपराध कम हो जाएगा। लेकिन ये भी बात पीछे छिपी हुई थी कि किसको मारो। अगर हम देखें करीब 103 लोग एनकाउंटर्स में मर चुके हैं उत्तर प्रदेश में, मतलब सिंस दिस गवर्नमेंट केम अबाउट 103 पीपल हैव बीन किल्ड। तो ये जो जितने एनकाउंटर्स हुए हैं वो ऐसे लोगों के हुए हैं जो छोटे अपराधी हैं, जो मतलब बहुत संगीन मामलों के अपराध में लिप्त नहीं है, एक 8 साल का बच्चा भी है इनमें, और कुछ ऐसे भी हैं जो पुलिस वालों की अपनी कोई दुश्मनी थी या कुछ मामला था, और इनमें आधे करीब करीब मुसलमान हैं और बाकी या तो पिछड़ी जातियों के हैं या दलित जातियों के हैं। तो जो बड़े अपराधी हैं विकास दुबे टाइप के,
उनके खिलाफ तो तभी मतलब कार्रवाई हुई जब उन्होंने नृशंस हत्या 8 पुलिस वालों की कर ली थी और वो पूरा मामला सामने आया। बाकी जो ये ठोको की नीति चल रही थी तो बहुत स्पष्ट था कि किन लोगों को और कैसे लोगों को ठोकना है। सो इट इज बाय सेइंग दैट द डीएम एंड द पुलिस शुड हैव एक्टेड इन अ सर्टेन वे, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट वर द मैसेजेस बीइंग सेंट बाय द गवर्नमेंट to the administration, whether it's the police administration or the civil administration. We would like to think that the administration will stand up for justice and will refuse to, you know, obey orders that they feel are unjust, but that is not the situation. And so I would put the primary responsibility on the state government. But of course, they cannot get away from what they have done. It is simply shocking. के मतलब उन्होंने पहली बात तो ये है क्योंकि अब तो अलीगढ़ जो मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे वो भर्ती थी वहाँ से भी बात आई है कि शी हैड मेड एन एलिगेशन ऑफ रेप एंड दैट एलिगेशन स्टैंड्स, क्योंकि जो विक्टिम है उसका बयान बहुत ही ज़रूरी होता है, बहुत ही अहम होता है इन मामलों में। यही नहीं, ये भी बात सही है कि जब उस हालत में उसकी माँ लेके गई थी थाने तो थाने ने FIR दर्ज नहीं की और करीब करीब कई घंटे लगे और उनको फिर अलीगढ़ के हॉस्पिटल में भेजा गया। कई दिनों के बाद जब उसकी हालत बहुत बिगड़ी उसको दिल्ली शिफ्ट किया गया। लेकिन मतलब अभी इंक्वायरी चल रही है, जांच चल रही है, लेकिन फिर भी पुलिस को और डीएम को इतनी जल्दी है ये कहने के लिए कि नहीं रेप नहीं था, नहीं बलात्कार, क्यों ऐसा क्यों? भाई सारी बातें तो सामने आएंगी, सारे तथ्य सारे दस्तावेज सामने आएंगे, आपको इतनी जल्दी क्यों है? तो जल्दी शायद इसीलिए थी कि जो FIR थी उसको कमजोर करना था। दे वॉन्टेड टू मेक इट अ वीकर FIR एंड वी हैव सीन दिस इन द चिन्मयानंद केस ऑल्सो, देर वॉज अ डिलिबरेट अटेम्प्ट एंड दे डिड मेक द FIR अगेंस्ट चिन्मयानंद वीकर। सो ये जो हुआ है इससे कई सवाल पैदा होते हैं और फिर जो मतलब बर्बरता और अमानवीयता की हदों को इन्होंने पार किया और जो एक साधारण और न्यूनतम नैतिकता है कि मतलब जो परिवार है उसको आप लाश दें ताकि परिवार अपने तरीके से उस लाश को नहलाए और उसको कपड़े पहनाए, चंदन लगाए, जो भी उनके रीत रिवाज हैं, और उसके बाद अपने हिसाब से उसके अंतिम संस्कार करें। और जो लोग मानते हैं इन चीज़ों को वो जानते हैं कि आधी रात को यानी सूर्यास्त के बाद ये दाह संस्कार नहीं होते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को बिल्कुल तिलांजलि दे करके अपनी पूरी अमानवीयता बर्बरता मतलब इंसानियत को जैसे बहुत दूर रख दिया हो, वहाँ के प्रशासन ने लोग उनकी वो लाश, बच्ची की लाश, लड़की की लाश माँ बाप को न दे करके उसको मतलब एक तरह से उस लाश का अपहरण किया और ऐसा लग रहा था कि वो बता रहे हैं कि जीते जी भी तुमको सम्मान नहीं मिला, तुम्हारे परिवार को सम्मान नहीं मिला और मरने के बाद भी तुम्हारा अपमान होगा और तुम्हारे परिवार की भावनाओं का अपमान होगा। ये जो संदेश गया है प्रशासन का, इसने लोगों को हिला दिया है। ये जो आक्रोश आज दिखाई दे रहा है, ये जो गुस्सा आज दिखाई दे रहा है, ये उसी का नतीजा है। फिर वो प्रेस को नहीं आने देना, नेताओं, ये तो सब उसी का एक हिस्सा है। आपने आक्रोश की बात की तो मेरा आखिरी सवाल यही है कि किस तरीके से राजनीतिक संगठन या पार्टियां, मीडिया या और भी अन्य कई एक्टिविस्ट अपने संघर्ष को, अपने प्रतिरोध को इस घटना के बाद बीजेपी सरकार के खिलाफ यूपी में और केंद्र में जारी रख सकते हैं और उसको और मजबूत बना सकते हैं? देखिए वो तो हो रहा है, पीपल आर नॉट ओनली प्रोटेस्टिंग इन उत्तर प्रदेश एंड इन दिल्ली, दे आर प्रोटेस्टिंग ऑल ओवर द कंट्री। आज मैंने देखा कि वाराणसी में शायद मिसेज ईरानी गई थी तो वहां भी प्रोटेस्ट हुआ। ये बहुत स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट है। ऑफकोर्स the opposition parties, various organizations are obviously involved in the protest, but spontaneously among the people, there is a sense of horror. लोगों के अंदर एक
मतलब एक सवाल है कि ये हो क्या रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, जब इतनी बर्बर और नृशंस घटना के बाद भी इतनी मतलब अमानवीयता का परिचय सरकार और सरकारी अधिकारी दे रहे हैं, तो आखिर हमारा समाज कहाँ जा रहा है और क्या कोई अब सुरक्षित रहा उत्तर प्रदेश में? ये बहुत बड़े सवाल हैं और इसलिए अपने अपने तरीके से लोग प्रतिरोध कर रहे हैं और ये रुकने वाला नहीं है, ये आगे और बढ़ने वाला है। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुभाषिनी। यही उम्मीद है कि जनता का आक्रोश और प्रतिरोध दिन ब दिन बढ़ेगा और यूपी सरकार को इस इंसिडेंट का जवाब देना पड़ेगा।